जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार बीते बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन न सिर्फ मुस्लिमों को बचाने की लड़ाई है बल्कि पूरे देश की रक्षा की लड़ाई है। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 7 के बाहर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी संशोधित नागरिकता कानून के मुकाबले कहीं अधिक खतरनाक है और इसका पूरा जोर विरोध होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जबकि प्रदर्शन शांति के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसी तरह की ऊर्जा को बरकरार रखते हुए होश में रहें। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने बुधवार को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। कन्हैया ने नागरिकता कानून को काला कानून करार दिया और यहां छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, प्रदर्शन और आंदोलन करना प्रत्येक छात्र का अधिकार है, लेकिन यह शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, वरना इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कन्हैया शाम करीब 5:30 बजे जामिया के अब्दुल कलाम आजाद गेट पर पहुंचे, जहां पहले से बड़ी संख्या में जामिया के अलावा कई अन्य कॉलेजों स्कूलों से आए छात्र उनका इंतजार कर रहे थे। यहां पहुंचने पर कन्हैया ने छात्रों के साथ जमकर नारेबाजी की। खुद कन्हैया ने आज़ादी के नारे भी लगवाए। कन्हैया ने कहा कि इस कानून का विरोध सिर्फ किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सभी वर्ग और समुदाय के लोग इस कानून के खिलाफ हैं। जबकि इस दौरान कन्हैया ने छात्रों से अपील भी की कि वो सरकार का विरोध करें, लेकिन इस विरोध के बीच सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। कन्हैया ने आगे कहा कि छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन अगर हिंसक हुआ तो इस विरोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बता दें कि पूर्व जेएनयू अध्यक्ष ने कहा कि अपने इस विरोध प्रदर्शन को किसी भी स्तर पर हिंसक न होने दें। हमारी लड़ाई सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ है, सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति से नहीं। संपत्ति की नुकसान पहुंचाना ठीक बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम शांतिपूर्वक सरकार का विरोध करें। कन्हैया ने यहां तक कि आगे कहा कि वो इस कानून का विरोध कर रहे जामिया छात्रों के साथ हैं।